हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं गोविंद पटेल ब्लॉग। ये जो आप देख रहे हैं हमारा, ये गर्मी वाले फसल है धान की, और इसकी जो रोपाई हम लोग करे थे लगभग जनवरी फरवरी के महीने में, और इसकी ना कटाई अभी के मई के जो महीने हैं इसमें इसकी कटाई होने वाली। एक चीज़ किसान भाई सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि गोविंद भाई आप बताते हो, और ये भी आप बता दीजिए कि आप कितना उत्पादन लेते हो और कैसे कैसे आप इसका मैनेजमेंट करते हो, ये बारे में लोग पूछते हैं। तो मैनेजमेंट का तो मैं बीच बीच में बताते रहता हूँ, आज मैं आपको बताऊँगा कि इसमें मैंने कितना उत्पादन लिया पर एकड़। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कौन सी वैरायटी है। वैरायटी की मैं अगर बात करूँ तो ये है एक उन्नत किस्म है MTU 1010, जो कि बहुत पुरानी वैरायटी है और ये धीरे धीरे अब ख़त्म होने वाली है। इसके दाने थोड़े पतले होते हैं, ज़्यादा पतले नहीं होते हैं। इसको लगाने का रीज़न ये रहता है कि क्योंकि हम मेरी जो धान है ये उड़ीसा साइड जाता है और उड़ीसा इसके ज़्यादा कीमत मिलते हैं, और इसके जो डिसएडवांटेज की मैं अगर बात करूँ तो ये वाले धान जो है झड़ता ज़्यादा है, इसको हमको कच्चे में ही कटाना पड़ता है, तो ये उसकी डिसएडवांटेज है। बाकी किस्में जो होती हैं वो लेट में झड़ता नहीं है, तो उसको हम लोग ज़्यादा दिन तक रखते हैं, वो खेत में ही सूखता है, डायरेक्ट काट के हम लोग सेल कर देते हैं, इसको हमको थोड़ा सा सुखाना पड़ जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें उत्पादन कितना आया। तो इसमें मैंने लगभग 36 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से लिया है, और उन्नत किस्म में 36 कुंटल लेना मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये काफ़ी अच्छा उत्पादन है। और ये वाले जो वैरायटी है ये लगभग 28 कुंटल 25 कुंटल से ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा हमने इसमें मेहनत किया था, बीज सेलेक्शन किया था, अच्छे बीज को चुना था, तो उसके वजह से ये अच्छा उत्पादन दिया है। लेकिन ये हमारे लिए इस सीज़न का लास्ट है और इसके बाद हम लोग ये वाले वैरायटी को बंद करेंगे। बहुत पुराना वैरायटी है, हालांकि इसमें कुछ बीमारियों वगैरह नहीं लगते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी इसकी मेंटेनेंस बिगड़ता है तो इसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर वे पे करते हैं तो इसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है, और इसमें हम लोग जितने मेहनत करें अगर कोई दूसरा वैरायटी या फिर अच्छे वैरायटी हाइब्रिड में करते तो शायद ज़्यादा उत्पादन भी प्राप्त हो सकता था। इसके बाद कई लोग पूछते हैं कि इसमें खर्चे कितने हुए, तो मैं खर्चे को तो हिसाब नहीं किया हूँ, फिर भी मैं आपको ओवर भी बता देता हूँ। रोपाई का लगभग 2800 रुपये पर एकड़ और कटाई का लगभग मेरे को 2000 पड़ गया है पर एकड़। और इसके बाद बीज तो घर के ही थे, और खाद हो गया और दवा वगैरह का जो भी खर्चे हैं वो इसमें आए हुए हैं, तो कुल मिला के 30 से 35 हज़ार रुपये पर एकड़ बच जाएगा। रीज़न ये है कि मैं इसको सिर्फ 1500 के अंदर ही बेचूंगा, क्योंकि यहाँ अभी लगभग 1500 रुपये रेट है। यहाँ गर्मी के टाइम मंडी नहीं होता, बरसात में होता है तो 2500 रुपये पर क्विंटल है, लेकिन अभी इसको मैं 1500 रुपये के भाव में बेचूंगा, तो उस हिसाब से मैं पर एकड़ 30 से 35 हज़ार रुपये तक ही बचत कर पाऊँगा। अगर ये बरसात का टाइम होता तो शायद उसमें लगभग डबल उसमें बचत होती। तो इस तरीके से ये वाले धान का हुआ था, और गर्मी के धान में ज़्यादा हमको दवा वगैरह छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो खर्चे ज़्यादा नहीं आते हैं। रही बात फंगस वाली बीमारी, तो बिल्कुल नहीं लगता। कीट तो इसमें लगते हैं, कीट का प्रकोप थोड़ा देखने को मिलता है, बाकी जो बीमारी होती है वायरस फंगस बैक्टीरियल वाली बीमारी, ये सारे बीमारी गर्मी के टाइम पर नहीं होती, खासकर हमारे क्षेत्र में। BPH जो माहू होती है उसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिलता है, लेकिन गर्मी इतनी रहती है कि BPH भी इसमें ज़्यादा फल फूल नहीं सकते हैं। और दाने पकते समय तेज़ धूप की ज़रूरत पड़ती है धान के लिए, तो ये वाला मौसम धान के लिए बेहतरीन होता है। तो हमारे साइड इस सीज़न भी धान होती है, और आने वाले जो बरसात है अभी जुलाई से भी इसमें फिर से ट्रांसप्लांटिंग का काम चालू हो जाएगा। ये वाले सीज़न है अभी जो पलारी है उसको हटा के इसमें ढींचा वगैरह लगाने का, ढींचा वगैरह लगाने के बाद उसको फिर से मिट्टी में मिला के हम लोग अगले बार फिर से इसमें धान की रोपाई करेंगे। कुल मिला के ऑल ओवर देखा जाए तो इस सीज़न का जो उत्पादन है काफ़ी अच्छा हुआ है। नेक्स्ट सीजन के लिए मैं कुछ अच्छे वैरायटी खोज रहा हूँ, अगर आपके ध्यान में है या फिर आपने कोई अच्छे वैरायटी का यूज़ किया, चाहे हाइब्रिड हो या उन्नत हो, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में बताइए, और कितना उत्पादन रहा और कितने दिन की वैरायटी है वो भी आप बता दीजिए, जिससे कि मेरे को बीज सिलेक्शन या फिर बाकी किसानों को बीज सिलेक्शन में थोड़ी आसानी हो। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को देखिए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।